हेलो माय डियर स्टूडेंट आई एम योर टीचर ऑफ एसएसटी एंड एज यू नो टुडेज क्लास इज एसएसटी सब्जेक्ट सो टुडेज क्लास वी डिस्कस आवर एसएसटी चैप्टर लेट्स सी व्हाट इज आवर टुडेज असाइनमेंट। डियर स्टूडेंट पिछली जो हमारी क्लास हुई थी प्रीवियस क्लास में हमने हमारा फिफ्थ चैप्टर द साउथर्न प्लेटू एंड आइलैंड ये चैप्टर हमने पढ़ा था। साउथर्न प्लेटू के लगभग जितने भी साउथर्न प्लेटू में लगभग जितने भी स्टेट आते हैं वो लगभग स्टेट हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा एक स्टेट रह चुका था वो आज हम साउथर्न प्लेटू का जो स्टेट हमारा रह चुका था वो पढ़ेंगे और उसके अलावा जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था वन स्टेट हमारा रिमेनिंग था साउथर्न प्लेटू में, तो वन स्टेट जो है वो क्या है तमिलनाडु स्टेट हमारा रिमेनिंग था। आज इसी को हम स्टडी करते हैं लोकेशन। सबसे पहले देखेंगे हम तमिलनाडु की लोकेशन। साउथर्न मोस्ट स्टेट सराउंडेड बाई आंध्र प्रदेश ऑन द नॉर्थ, कर्नाटका एंड केरला ऑन द वेस्ट, इंडियन ओशियन ऑन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब देखिए तमिलनाडु ये शहर कहाँ है, ये साउथ साइड में अवस्थित है। तो यहाँ देखिए तमिलनाडु के नॉर्थ में कौन है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, यानी कि तमिलनाडु चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो नॉर्थ में तो घिरा हुआ है आंध्र प्रदेश से एंड कर्नाटक और केरला से घिरा हुआ है वेस्ट में। वेस्ट में क्या है, कर्नाटका और केरला। और इंडियन ओशियन कहाँ है, इसके साउथ में इंडियन ओशियन है और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो आप देखा आपने ये अपने चारों तरफ से लगभग सभी स्टेट और इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। क्लाइमेट देखिए हॉट इन समर प्लीजेंट इन विंटर एवरेज रेनफॉल। यहाँ का जो वातावरण है गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यानी काफ़ी ज़्यादा हॉट है और सर्दियों का जो मौसम है वो प्लीजेंट यानी मनमोहक सीजन होता है। और यहाँ ना तो ज़्यादा बारिश होती है ना ही कम बारिश होती है, एवरेज जो है औसत बारिश यहाँ होती है। आगे है इकोनमी यहाँ की अर्थव्यवस्था देखिए, यहाँ स्टेट को पैसे कहाँ से मिलते हैं यानी इनके उद्योग क्या है वो देखिए। इकोनमी देखिए अर्थव्यवस्था देखिए बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, राइस एंड टर्मरिक मैन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और यहाँ का जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है खेतीबाड़ी पे और इंडस्ट्रीज हैं। और यहाँ की राइस और टर्मरिक मुख्य फसलें हैं। यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो क्या माने जाते हैं या क्या है, राइस और टर्मरिक यानी चावल और हल्दी। और यहाँ का जो जनजीवन है वो निर्भर करता है उनका आय का स्रोत क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। अब देखिए बात करी थी हमने इंडस्ट्रीज की, देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट अशोका लीलैंड, रॉयल एनफील्ड, TFE ट्रैक्टर्स, हुंडई, फोर्ड, BMW, निसान, रेनॉल्ट। तो यहाँ जो फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज है किस किस की, अशोका लीलैंड की, रॉयल एनफील्ड, TFE ट्रैक्टर्स, हुंडई, फोर्ड, BMW, निसान, रेनॉल्ट। तो ये क्या है, यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज है जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा इनकी इकोनॉमी का मुख्य स्रोत माना जाता है। अब देखिए लैंग्वेजेस भाषाएं देखिए तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड उर्दू लैंग्वेजेस स्पोकन। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है कौन सी भाषा, तमिल भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु है तो सीधी सी बात है ये तो ऑब्वियस ही कौन सी भाषा बोली जाएगी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। मेन फेस्टिवल देखिए पोंगल, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जयंती, कंथुरी, दीपावली एंड कवाड़ी। तो ये यहाँ के जैसे पोंगल, शिवरात्रि, रामनवमी, कृष्ण जयंती, कंथुरी, दिवाली एंड कवाड़ी ये यहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। मेन सिटी मुख्य शहर देखिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली एंड सेलम ये यहाँ के मुख्य शहर हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट पैलेस देखिए मीनाक्षी अमन टेम्पल जिसे मदुरई कहा जाता है, विवेकानंद रोग मेमोरियल, कपालेश्वर टेम्पल, वृद्धेश्वर टेम्पल जिसे तंजौर भी कहा जाता है, मरीना बीच, कोडिकनल लेक, सी शेल म्यूजियम एंड सुरीली फॉल्स। तो ये यहाँ के टूरिस्ट पैलेस या टूरिस्ट अट्रैक्शन के पैलेसेस हैं। अब आगे स्पेशल फीचर्स देखिए तमिलनाडु के, इरोड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक, कवाड़ी अट्टम डांस, भरतनाट्यम डांस एंड गोपुरम एंड तंजौर पेंटिंग। यहाँ तमिलनाडु फेमस किस लिए है, स्पेशल फीचर्स है। एक तो इरोड जो दुनिया का सबसे बड़ा
हल्दी उत्पादक यानी तमिलनाडु में इरोड पैलेस जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन करने वाला पैलेस है। उसके अलावा कवाड़ी अट्टम, ये यहाँ का स्पेशल डांस है, भरतनाट्यम डांस, गोपुरम डांस और तंजौर की पेंटिंग, तो यहाँ के स्पेशल फीचर्स हैं। अब आगे आइलैंड, तो जैसे कि हमारा चैप्टर का फर्स्ट कोर्स अभी कंप्लीट हो चुका था, साउथर्न प्लेटू में जितने भी स्टेट आते हैं वो सारे स्टेट हमें अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। अब हमारा इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आइलैंड। अभी हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। देर आर टू बिग आइलैंड्स ग्रुप्स, दीज आर, यहाँ आइलैंड के दो बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो देखिए कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। पहला था अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। सबसे पहले देखेंगे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ है, वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। जो 10 डिग्री झुका हुआ चैनल है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। द आइलैंड्स इन द ग्रुप आर हिली, और इस आइलैंड, ये जो आइलैंड है वो पहाड़ियों का एक ग्रुप है। राइस इज द मेन क्रॉप्स इन द अंडमान आइलैंड, चावल जो है अंडमान, अब देखिए अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग आइलैंड बन चुके हैं, तो अंडमान की जो मुख्य फसल है वो क्या है, चावल। कोकोनट एंड एरिका नट आर ग्रोन इन निकोबार। अब दूसरा क्या था, निकोबार आइलैंड, तो निकोबार आइलैंड में कोकोनट और एरिका नट, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अंडमान की जो मुख्य फसल है वो राइस और निकोबार की है, कोकोनट और एरिका नट। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन, मछली पालन और खेती बाड़ी, ये यहाँ की मुख्य व्यवसाय, यहाँ के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, तो फिशिंग की जाती है या फार्मिंग। सम पीपल आल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट, कुछ लोग हैं जिनके द्वारा शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडीक्राफ्ट और शेल का मतलब होता है जो लकड़ियाँ हैं उनके ऊपर, यानी कि जो लकड़ी की धातुएं हैं या फिर जो लकड़ी के जो सामान है उनके ऊपर हैंडीक्राफ्ट काश्तकारी करके डिजाइने बनाना। मोस्ट पीपल स्पीक बांग्ला, यहाँ के लोगों के द्वारा ज़्यादातर बांग्ला भाषा बोली जाती है। द ब्यूटिफुल बीचेज एंड द सेलुलर जेल आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और यहाँ का जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है अंडमान निकोबार का, एक तो है ब्यूटिफुल सुंदर सुंदर बीचेज और उसके अलावा सेलुलर जेल, ये यहाँ के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर में क्या पाई जाती है, सेलुलर जेल्स। अब आगे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देखिए सेकेंड आइलैंड आ गया हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप जो है एक आइलैंड्स का ग्रुप है और ये कहाँ पाया जाता है, ये अरेबियन सी अरब सागर में है। दीज आइलैंड आर फ्लेट, यहाँ के जो आइलैंड है ये फ्लेट है, समतल है। कोकोनट इज द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर, कोकोनट यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। कोर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, कोर क्या होता है, कोर जो होता है कोकोनट का अंदर का जो शेल होता है उसे कोर कहा जाता है, ये यहाँ की मुख्य इंडस्ट्री है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, और फिशिंग मछली पालन यहाँ का मेन उद्योग है। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम, यहाँ के लोगों के द्वारा ज़्यादातर मलयालम बोला जाता है। मैनी टूरिस्ट विजिट दिस आइलैंड, खूब सारे टूरिस्ट जो है इन आइलैंड्स पे विजिट करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब इसी चैप्टर के करेंगे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए गोल्ड एंड डायमंड्स आर फाउंड इन द रीजन ऑफ, गोल्ड एंड डायमंड्स कहाँ पाए जाते हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा था साउथर्न प्लेटू, तो साउथर्न प्लेटू में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमें ऑप्शन देखिए। सबसे पहले छोटा नागपुर, मालवा, गोलकुंडा, नन ऑफ दिस, यानी इन तीनों में से किसी में पाए जाते हैं या किसी में भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, गोलकुंडा। गोलकुंडा की जो घाटियाँ हैं या गोलकुंडा की जो माइंस है वहाँ क्या पाया जाता है, गोल्ड और डायमंड। आगे हैं दिस स्टेट इज फेमस फॉर बीदरी वर्क, बीदरी वर्क के लिए फेमस क्या है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बीदरी वर्क के लिए क्या फेमस है अपना, तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट जो है वहाँ बीदरी वर्क ज़्यादा स्पेशली तौर पे किया जाता है। आगे हैं दी जोग फॉल्स इन द स्टेट ऑफ, जोग फॉल कौन से स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, तो जोग फॉल कहाँ बच्चों, जोग फॉल हमारे कर्नाटका। आगे हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का सबसे बड़ी नदी कौन सी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या गंगा, तो हमें सही ऑप्शन चूज करना है, डेक्कन प्लेटू की सबसे बड़ी नदी कौन सी है,
डेक्कन प्लेट्यू की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो हम राइट मार्क करेंगे गोदावरी। दिस रिवर डिवाइड्स प्लेट्यू रीजन इंटू टू पार्ट्स, यह नदी जो है यानी यह नदी प्लेट्यू को दो भागों में बांट देती है। तो बच्चों कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या गंगा, तो हमारे बच्चों ये चारों ही ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो राइट आंसर क्या है वो नर्मदा रिवर, यानी अब हम कृष्णा को काटेंगे इसकी जगह लिखेंगे नर्मदा, नर्मदा रिवर जो है तो हमारा राइट आंसर क्या है नर्मदा, तो हम लिखेंगे नर्मदा। तो बच्चों ये चारों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए थे, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा था किस नदी के द्वारा जो प्लेटू है साउथर्न प्लेटू को दो भागों में बांटा जाता है, तो हमारा जो नर्मदा रिवर है ये दो भागों में साउथर्न प्लेटू को डिवाइड करती है। आगे देखिए, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना हमारे करेक्ट वर्ड्स के साथ में। तो देखिए डेस इज द हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू में सबसे बड़ी पीक क्या है, तो हमारा राइट आंसर क्या है अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी जो है ये सबसे बड़ी क्या है पीक है, सबसे बड़ी चोटी है। आगे है द डेक्कन प्लेटू इज रिच इन, डेक्कन प्लेटू जो रिच किससे है, तो बच्चों डेक्कन प्लेटू में काफ़ी ज़्यादा क्या है फॉरेस्ट, हम यार कहेंगे फॉरेस्ट। आगे है टीक साल एंड डेश ट्रीज आर फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, टीक साल और इसके अलावा एक कौन से ट्रीज होते हैं जो डेक्कन प्लेटू में पाए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सैंडल वुड, यानी चंदन के पेड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं डेक्कन प्लेटू में। आगे हैं डेश इज आल्सो कॉल्ड द कश्मीर ऑफ साउथ, साउथ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो ऊटी जो है उसको साउथ का कश्मीर कहा जाता है। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने हमारे चैप्टर जो था फिफ्थ चैप्टर साउथर्न प्लेटू और आइलैंड, दोनों आइलैंड पढ़े थे, साउथर्न प्लेटू में जो स्टेट आते हैं या साउथर्न प्लेटू की जो स्पेशलिटी है वो हमने अच्छे से कवरअप आज कर लिया, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कंप्लीशन के साथ में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, ये आज आपको होमवर्क में करना, उसके अलावा आपको टिक दी करेक्ट ऑप्शन ये भी अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करना है। तो इतना वर्क आज आपका एज ए वर्क रहेगा, आपको यही वर्क नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वंडरफुल वीडियो, नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर सिक्स चैप्टर स्टडी करेंगे। यहाँ आज आपको मैंने आपको वर्क बता दिया है और चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।